हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रचना रसोई रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शकरकंद का पूरन पूली। तो शकरकंद का पूरन पूली बनाने के लिए हमें ये शकरकंद हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। हमने कुकर में 1 चम्मच घी और 1 चम्मच पानी डाल के शकरकंद को छिलका सहित 2 सीटी आने तक पका लिया है। ध्यान रहे कि जब आप शकरकंद को बॉयल करें तो गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हमें रोस्ट करना है। तो इसको हमने छिलका निकाल लिया है। इसका ठंडा होने के बाद अच्छे से ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है कि शकरकंद का जो मिठास रहता है वो बना रहता है और शकरकंद में ज़्यादा पानी नहीं जाता, क्योंकि पानी हमने डाला ही नहीं है, 1 टेबल स्पून पानी डाला है। तो यहाँ हमने इसको ड्राई रोस्ट करके छील कर ले लिया है। तो इसको हम अभी साइड में रखेंगे। यहाँ हमने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं या आधा गेहूं का आटा या आधा मैदा भी ले सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं और डालेंगे इसमें 1 पिंच नमक। घी को अच्छे से मिला लेंगे और इसका हम डो लगाएंगे पानी डाल डाल के। तो यहाँ हमने डो लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और डो को रेस्ट होने के लिए हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। डो अच्छे से रेस्ट हो जाएगा। अब हम शकरकंद को मैश कर लेंगे। तो यहाँ हमने पोटैटो मैशर लिया है। आप चाहे तो हाथ से भी इसको मैश कर सकते हैं। इसको अच्छे से हमें मैश करना है। यहाँ पर हमने शकरकंद को मैश कर लिया है। इसमें हम डालेंगे अब 1/2 कप चीनी। आप चीनी की क्वांटिटी यहाँ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप चीनी की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसको भी हम मिला लेंगे शकरकंद में अच्छे से। यहाँ हमने स्टफिंग बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं हम पूरन पुली बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर डो को रखे हुए भी हमें 15 मिनट हो गया है। इसको वापस से अच्छा मसल मसल कर हम चिकना बना लेंगे। 2 मिनट तक हम मसल लेंगे। अब हम डो लेंगे। तो आपको बड़ा छोटा जैसा भी बनाना हो आप डो ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। अब इसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे। इसको अब चारों तरफ से हम बंद कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल देंगे। वापस से ऐसे हाथों से हम हल्के हाथों से दबा लेंगे और वापस से हम इसको बेल लेंगे। आप चाहे तो इसमें हल्का सा आटा भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने पूरन पुली को बेल लिया है। ये थोड़ा पतला ही बेलेंगे इसको। अब हम इसको तवे पर सेकते हैं। तो गैस पर हमने तवा चढ़ा लिया है। तवे को ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें हम पूरन पुली रखेंगे। तो हम पूरन पुली को पलट लेते हैं और दोनों तरफ घी लगाकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। आप ये पूरन पुली को घी में ही बनाएं, इससे टेस्ट अच्छा आता है इसका। तो ये मैंने पूरन पुली को अच्छे से दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के पूरन पुली भी ऐसे ही हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये शकरकंद की पूरन पुली बनकर तैयार हैं। बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती हैं। आप भी अपने घर में जरूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाने में।
तो आप भी अपने घर में यह शकरकंद की पूरन पूली बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।